आप ढलता हुआ सूरज है मैडम। इस फील्ड में लोग उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं, डूबे हुए इंसान और डूबे हुए सूरज की कोई पूजा नहीं करता। माना कि एक वक्त आप स्टार थी, मगर आज आपका नाम लेने वाला और आपको याद करने वाला कोई नहीं है। जब आप स्टार थी तब अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती थी, अब आपको समझने वाला कोई नहीं है। मैडम, मैडम क्या है? गुड मॉर्निंग मैम। क्यों परेशान कर रही हो मुझे सुबह सुबह? सुबह नहीं, दोपहर के 12 बज चुके हैं। तो मुझे कौन सा ऑफिस जाना है या बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है? आपकी फ्रेंड सुमन आई हुई है। सुमन। नमस्ते बॉबी जी। नमस्ते। क्या यार नमस्ते नमस्ते कर रही हो? मैं तेरी बचपन की दोस्त हूँ। आप तो सुपरस्टार मॉडल बन गई हैं। टीवी में भी दिन भर आपके एड आते रहते हैं, होर्डिंग्स में भी आपकी फोटो लगे हुए, मैगजीन्स में भी आपकी फोटो छपे हुए हैं। मैं किसी को कहती हूँ ना कि आप मेरी फ्रेंड हैं तो कोई यकीन ही नहीं करता, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, झूठ समझते हैं। बस सच बात तो यह है कि मुझे आपसे बात करने में भी डर लगता है। अच्छा सुन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाय। हाय, हाउ आर यू? फाइन, वेरी फाइन, बहुत अच्छा चल रहा है। यू नो, जहां पर 3 सालों से तुम्हारी होर्डिंग लगी हुई थी वहां पर अब मेरी लग गई है। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा ये बता, मुझे बुलाया क्यों? कुछ पैसे उधार चाहिए थे। सो सॉरी यार, तू मुझे फोन पर बता देती ना कि तुझे पैसे चाहिए तो मैं घर से लेकर आती। क्या है ना कि मैंने आज ही अपनी नौकरानी की तनख्वाह दी है और मेरा एटीएम कार्ड भी आज ही खराब हुआ है। वैसे नेक्स्ट मंथ कुछ पैसे आने वाले हैं, फिर देती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। सुबन, मैं भी बहुत बड़ी सुपरस्टार मॉडल रह चुकी हूँ। तुम्हें पता है सुपरस्टार मॉडल कैसे बनते हैं? एटीट्यूड दिखाने से, शूटिंग में हमेशा देरी से पहुंचने से, दूसरे के काम में गलतियां निकालने से और जल्दी जाने का बहाना बनाने से। तुम इस तरह से सेट पर जल्दी जाओगी तो मेरी तरह सुपर मॉडल कभी नहीं बन पाऊंगी।